आज मेरी बात ने एक शेर पढ़े जाता है, ऐ जन्नत माना तुझ में हूरों कसूर रहते हैं। और याद रख लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम सुन्नी वर्गा आदम नबी पाक दा कोई नहीं कर सकता। जी असी अपने स्टेजा के उत्ते गल करिए सानू यह सोचना चाहिए। एक शेर पढ़ जाता है, ऐ जन्नत माना तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, माना जरूर रहते हैं। अगो गल सुन जो अशार कर रहा है, वो आप मेरे दिल का तवाफ कर मेरे दिल में हजूर रहते हैं। वो कमलिया जन्नत सारा का मुकाम है, जन्नत अली का तारे, उमर का तारे, बकर का तारे, तेरा तवाफ करे कुछ है कि नहीं। ये मेहरबानी गुजारिश है, ये थोड़ा जा शेर बदलो, अपने अपने अकीदे बदलो। मैं गल ही खुदा की कसम मुका दा, अपने जो भी शेर पढ़ो इंजदा पढ़ो कि बाबे खादम साहब रिजवी दी आवाज मंगल आवे। गुजारिश है उलमा ने, नाथा ने, कारी ने, रात एक गल सुन दे जाए, छोटी जी बात, छोटी जी बात। बच्चा स्कूले पे पढ़े तो उस्ताद ने आख्या दसो, बच्चे बैठे थी 10-12 क्लास अंदर, उस्ताद ने पूछा बेटा दसो साडे नबी दा नाम की है। वजो बिच वजो एक शिकिता तकड़ा के दसवा जी मैं दसांगा। सामने बोलिया नहीं, सदा सोटियां मारियां ते तफरी हो गई। तफरी तो बाद क्लास फिर लगी, सना फरमाया भी दसो साडे नबी दा नाम की। उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मेरी दादी आखा सी तेरा हुकम आवे ते नबी दा नाम नहीं लेना। समझ आई बात? अल्लाह पाक की तौफीक अता फरमाए।